दिनांक 4/4/2022 को थाना सराय नायत के गांव पालीकरण में सूचना मिली कि एक आशीष यादव यार करके लड़का है जो करीब 21 साल का है, इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। तत्काल इस पे पुलिस मौके पे पहुंची और परिवारजनों के साथ इसको जो मजरूब था इसको SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि इसकी रास्ते में लाते समय इसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल वादी के परिवारजनों से संपर्क कर FIR पंजीकृत करके टीम गठित की गई और तत्काल इसमें थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। परिस्थिति साक्ष्य मौके पर उपस्थित गवाहों और अपने साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर टीमें गठित करके SOG प्रभारी और सर्विलांस टीम की मदद से जो टीमें गठित करती हैं उन्होंने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त नन्हे उर्फ ज्ञान उर्फ राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी उम्र 19 वर्ष पाई गई है इसकी उम्र। और इसने अपने बयान में बताया कि इसके द्वारा अपनी जो हत्या की गई है वो 12 बोर के असले से की गई है। इसकी निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी की गई और इसके पास जो मोबाइल था उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। घटना के बारे में इसने बताया कि घटना में ये मैं स्वयं खुद था, मेरे साथ और कोई नहीं था और ये घटना भी इसके घर के पास की ही बताई जा रही है। इसने ये बताया कि जो मृतक था ये हमारी जो बहन थी उसके साथ उसके बातचीत करती थी और उसके मना करने पे भी उसने नहीं छोड़ा था, इसी रंजिशवश ये घटना कारित करना बताया जा रहा है। अभी हमारे पास कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे कलेक्शन होना बाकी हैं, उनके आधार पर अन्य अभियुक्तों की अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी मौजूदगी और उनकी हत्या में संलिप्तता के बारे में गहनता से छानबीन की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी पाए गए किसी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जिनको आरोपी बनाया गया था सर उनकी क्या आपराधिक इतिहास थी? जिसमें आरोपी बनाया गया उसमें मौजूदा ग्राम प्रधान है संतोष यादव, इनके बारे में इसको नामित किया गया कि उसी की सह पर यह काम किया गया, लेकिन अभी इस बारे में हमारा साक्ष्य संकलन पूरा नहीं हुआ, अभी हम साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ग्राम प्रधान है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, थाने के अभिलेखों के हिसाब से इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, करीब 8 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और उनमें से कुछ अभियोगों में अंतिम रिपोर्ट भी लगी गई है। प्रधानी के चुनाव में कोई रंजिश? प्रधानी चुनाव में जो मौजूदा प्रधान है वो लगभग 3 प्रधानी से वो चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। इस बार मृतक पक्ष है, इसके चाचा जो थे आशीष के चाचा जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव में ये करीब 31 वोटों से हार गए थे। सुनने में आया है, अभी इसका औपचारिक रूप से मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि जो प्रधान है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने घोषणा पत्र में उल्लिखित की थी जिसकी ये मृतक पक्ष के लोगों को इसके चाचा को जो चुनाव लड़े थे उनको पता लग गया था। उस समय में उन्होंने SDM साहब के यहाँ प्रत्यावेदन दिया था कि इन तथ्यों की जांच करा ली जाए। अभी उसके परिणाम से क्या मैं वाकिफ नहीं हूँ, क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, एक रंजिश की वजह ये भी पाई जा रही है। और साथ ही कारतूस रिकॉर्ड किया गया। हाँ, मुख्य आरोपी तो नहीं था, शेष अन्य आरोपों के बारे में अभी CDR पर हमारे संगठन की कार्रवाई जारी है और इसके आधार पर ही उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही और परिस्थिति जो साक्ष्य उसके आधार पर ही अग्रेसिव कार्रवाई की जाएगी। इसी का फोन हुआ था वो ट्यूब पिस्टल एयर पिस्टल थी बेसिकली, उसको हमने प्रेस किया था वो एयर पिस्टल थी और इसको हमने पकड़ लिया है और इसके साथ ही साथ इसकी जो हत्या जो आला कत्ल है वो भी रिकवर कर लिया है और हम लोगों ने इसका जो मोबाइल था वो भी रिकवर कर लिया है। वजह क्या रही है? वजह जो ये आई है मेन वजह, हालांकि उन्होंने लिखा ही लगा कि नाम चूंकि लड़की है उसका नाम मैं नहीं डिक्लेयर करूंगा, उसकी बहन के साथ मृतक का